यूट्यूबर चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार पटवारी का एग्जाम 2017 में हुआ था, उस एग्जाम में जो हिंदी सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, और साथ ही आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण के नियमों में बंदी वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, तो पद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उससे उत्पन्न होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द संकर है, सकर है। निपुण का अर्थ छाँटिए, कुशल है इसका। ठीक है दोस्तों, आना जाना निम्न में से उदाहरण है, विपरीतार्थक युग्म का होता है। ठीक है दोस्तों, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो भूप होता है, भूपति। विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो वैष्णव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन व आय होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो विस्तृत का संक्षिप्त होगा। नेक्स्ट, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है, तो निकम्मा होता है। ठीक है दोस्तों, शतांश शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है, शतांश में दीगु समास है, सॉरी इसमें दीगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का जमाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो प्रभाव जमाना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, शूद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो शूद्र। ठीक है दोस्तों, शुद्ध। नेक्स्ट, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन पंक्तियों में इनमें से कौन सा रस है, तो इसमें अद्वैत रस है। नेक्स्ट, लता भवन ते प्रकट पे ते ही अवसर दों भाई, इनमें से अलंकार कौन सा है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपयुक्त का विलोम क्या है, तो यथार्थ का काल्पनिक इसका विलोम है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छाँचिए, तो इसमें आप देख सकते हैं, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, यह शुद्ध है। नेक्स्ट, माखन चोर में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीय समास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वान और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द की सही जोड़ी क्या है, तो शर और शर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जलवायु निम्न से किस समास का उदाहरण है, तो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जो 20 क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे यहाँ कंप्लीट हुए। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जिससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि हम और आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। इससे वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।